नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने रात्रि लगभग 7:30 पर नौगांव हरियाणा बॉर्डर पर स्थित चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम के शुक्रवार को रात्रि लगभग 7:30 राजस्थान हरियाणा बॉर्डर नौगांव स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने एंट्री रजिस्टर की जांच की तथा उपस्थित मेडिकल कर्मचारियों को सभी यात्रियों की रजिस्टर में एंट्री तथा उनके फोन नंबर नोट करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि सभी यात्रियों की जांच करें तथा सभी की RT-PCR रिपोर्ट चेक करें। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के किसी भी व्यक्ति को राजस्थान सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाने के सख्त निर्देश जारी किए गए। जितने वाहन चेक किए गए हैं, कितनों के पास नेगेटिव RT-PCR थी, इन सभी की सूचना प्रतिदिन पुलिस कंट्रोल रूम को देने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी अंतर राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री महोदय स्वयं प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, BC के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राजस्थान सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको RT-PCR की रिपोर्ट रखनी पड़ेगी। जी भाई, बिना उसके नहीं जाऊँ। देखिए, राज्य सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से जो ये कोरोना की सेकेंड वेव आई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी रोजाना मॉनिटरिंग हो रही है, आज भी उन्होंने VC दी थी, उसी क्रम में इंटर बॉर्डर चेक पोस्ट लगाई गई हैं। वही अलवर पुलिस जिले के नौगावा थाने की ये जो इंटर बॉर्डर चेक पोस्ट है, इसको आज चेक किया गया है। इसमें अपने पुलिस का जाब्ता और मेडिकल अधिकारी, मेडिकल स्टाफ मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति जो बिना RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के आता है, उसको हम बॉर्डर से ही वापस लौटा रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश हैं कि बिना RT-PCR नेगेटिव टेस्ट के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को राजस्थान के किसी भी ज़िले में एंट्री ना दी जाए, और इसी की सख्ताई से पालना कराने के लिए यहाँ पे आज इस बॉर्डर चेक पोस्ट को चेक किया। कलेक्टर महोदय, कोई अगर अपने गांव लौट रहा है किसी काम के बाद से, तो उसको ज़रूर मना नहीं करेंगे, बशर्ते उसके पास RT-PCR की नेगेटिव टेस्ट की कॉपी हो।